के क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, देखो सेक सितर और पीछे आपके कोसेक सितर, ये दोनों सेम आ रहे हैं, और साइन 20 और कोस 20 दोनों सेम आ रहे हैं। हम क्या करेंगे, इधर से भी एक को चेंज करेंगे और इधर से भी एक को। देखो यहाँ सेक सितर इंटू साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, एक बटा कोसेक होता है, लिखा था। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक बटा कोसेक 20 माइनस, यहाँ भी एक को चेंज करेंगे, कोस का तो कोस, इसको चेंज कर दो। कोसेक का उल्टा क्या होता है, एक बटा सेक सितर। अब देखो अब दोनों में से एक को, कोसेक का उल्टा साइन, सॉरी साइन हो गया सितर। अब देखो दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, या तो कर दो इसको या कर दो इसको। कोसेक का मतलब क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा। कोसेक का मतलब होता है आपके सेक 90 माइनस थीटा। और देखो दूसरा किसको चेंज करेंगे, साइन का मतलब क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। ये दोनों का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पे। अब देखो सेक सितर, सेक सितर इंटू एक का तो एक बटा कोस 20 की जगह क्या, कोसेक 20 की जगह क्या लिखेंगे, सेक 90 माइनस 20, माइनस का तो माइनस, कोस का कोस, एक बटा साइन की जगह क्या रखेंगे, कोस 90 माइनस, कोस 90 माइनस यहाँ कितना है सितर। अब देखो सेक का तो सेक इंटू एक बटा 90 में से 20 गया तो सितर माइनस, कोस का तो कोस, एक बटा बताओ 90 में से सितर गया तो कोस का 20। अब देखो सेक सितर से सेक सितर खत्म, कोस 20 से कोस 20 यहाँ क्या बचा, एक उधर भी क्या बचा, एक में से क्या तो। अब ये वाला देखो, अभी समझा देंगे, ध्यान दो ये वाला। देखो यहाँ भी 67 और 23 दोनों का जोड़ कितना होता है, इन दोनों का जोड़ कितना होता है, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, ऊपर वाले को कर दो या नीचे वाले को कर दो। देखो ये वाला देखते हैं, तो आप चेंज कर दो यहाँ से कोस को और यहाँ से किसी को भी चेंज कर दो, कोस को कर दो। बताओ कोस का मतलब क्या होता है, कोस का मतलब होता है साइन 90 माइनस थीटा, और इधर से किसको चेंज करेंगे, टेन को, ये तो होता है आपके कोस का मतलब। अब इधर से करेंगे टेन को, बताओ टेन का मतलब क्या होता है, टेन का मतलब होता है कोट 90 माइनस, कोट 90 माइनस थीटा, एक इसको चेंज करेंगे। अब देखो क्या करेंगे, दो का तो दो, कोस की जगह क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 67 बटा कितना है साइन 23। अब देखो यहाँ पे माइनस का तो माइनस, 10 की जगह क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कोट, क्या लिखेंगे कोट 90 माइनस कितना 40 बटा नीचे क्या है कोट 50 माइनस। अब देखो कोस 60, कोस 60 का मान सारणी में होता है कितना, सारणी में कोस 60 का मान कितना होता है, अभी लिख दो कोस 60। अब ध्यान दो, देखो दो का तो दो, साइन साइन का साइन, बताओ 90 में से 67 कटाएं कितने बचेंगे, 23 बता नीचे क्या है साइन 23 माइनस, देखो कोट का तो 90 में से 40 गए तो 50 बटा कोट 50 माइनस, वो 60 का सारणी में मान 60 से लेंगे मान कितना होता है 1 बटा 2। अब देखो साइन 23 से साइन 23 कट गया एक बार, कोस 60 कोस कोट 50 से कोट 50 कट गया एक बार, यहाँ तो दो को एक से गुणा करेंगे तो 2 माइनस कितना एक, माइनस कितना एक बटा दो, ये भी माइनस का और ये भी माइनस।
माइनस का, बताओ दोनों जुड़ेंगे एक और आधा कितना हो गया डेढ़, डेढ़ में से दो घटाओ कितना बचेगा आधा, आधा ही बचेगा ना। चाहे तो आप लघुतम लेके बना सकते हो, बताओ बटे में एक लगा दो, बटे में एक लगा दो, लघुतम कितना आएगा, लघुतम आएगा यहाँ से दो। अब देखो एक का भाग दो में देंगे दो को दो से गुणा करेंगे माइनस का माइनस, एक का भाग दो में देंगे दो को एक से गुणा करेंगे माइनस, दो का भाग दो में एक को एक से गुणा बराबर। देखो चार का तो चार, दो रे कितना हो गया तीन बटा दो, चार में से तीन क्या तो एक बटा दो। अब देखो चाहे तो वैसे ही बना सकते हो, ये तो गया डेढ़, डेढ़ में से दो गया तो कितना बचेगा आधा।